लेटेस्ट आईफोन 14 की बहुत सारी लीक्स आ चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमें इसके बारे में क्या क्या पता है, क्या क्या अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे और क्या क्या पुराने फीचर्स रहने वाले हैं, आपको कौन सा मॉडल लेना चाहिए एज पर द लीक्स एंड रूमर्स, और क्या प्राइसिंग साथ न्यू आईफोन 14 सीरीज आने वाली है। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे इस वीडियो में, तो वेट किस बात कर रहे हैं, डायरेक्ट चलते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स चेक इट आउट। तो सबसे पहले बात करते हैं आईफोन सीरीज की। आईफोन सीरीज के अंदर जो मेजर चेंज होने वाला है, आईफोन जैसे 13 मिनी था, 12 मिनी था, वो अब डिसकंटिन्यू होता जा रहा है क्योंकि लोगों को मिनी आईफोन पसंद नहीं आ रहे हैं। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, मैक्स वर्जन लेके आ रहे हैं। तो अगर पूरे लाइनअप को जज करें तो हमें देखने को मिलेगा आईफोन 14, आईफोन 14 मैक्स, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स, जिसके अंदर जो नॉर्मल वाला है हमारा 6.1 इंचेस का होगा और जो मैक्स मॉडल है वो 6.7 इंचेस का होगा। तो मतलब सस्ते वाले आईफोन्स के लिए जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं उनको भी अब मैक्स वर्जन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात, तो जहां पर सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर अपने फोन को ट्राई कर रहे हैं पतला करने की, वहां पर आईफोन का ये स्टेप मुझे काफी अच्छा लगा, जिसके अंदर हमें आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स थोड़े से थिकर साइड पर देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब कि ये हमें इनके अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा बैटरी देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ एक बड़ा कैमरा मॉड्यूल, तो कैमरा मॉड्यूल की थिकनेस भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब वो डिपेंड करेगा कि फॉर एग्जांपल कितनी बढ़ जाती है, क्या कंफर्टेबली साइज बढ़ेगा या फिर अनकंफर्टेबली कैमरा का साइज बैक की साइड में काफी बड़ा हो जाएगा, वो फोन आने के बाद ही पता चलेगा। सो मेजरली जो आईफोन 12 और 13 में हमें लाइनअप में देखने को मिला था डिफरेंसेस नॉन प्रो और प्रो मॉडल्स में, वो डिफरेंस ये था कि सबसे पहले तो प्रो में आपको प्रमोशन डिस्प्ले देखने को मिली थी आईफोन 13 के अंदर, कैमरास जो है एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं, एक टेलीफोटो लेंस और लाइडार सेंसर, थोड़ी एक्स्ट्रा रैम देखने को मिल जाती है, 6 कोर का जीपीयू देखने को मिल जाता है, स्टेनलेस स्टील का फ्रेम देखने को मिल जाता है जो कि नॉर्मल मॉडल के अंदर एल्युमिनियम का आता है, साथ ही साथ बैक की साइड आपको मैट फिनिश देखने को मिलता है और नॉर्मल वाले में ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलता है। अब इसके अंदर एक दो चीज और एडिशन हो जाएगी जिसकी मदद से इस साल ये डिफरेंस काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो नॉर्मल आईफोन है नॉर्मल सीरीज और प्रो सीरीज, इसके अंदर डिफरेंस बहुत ही मेजर होने वाला है। तो डिफरेंस क्या होगा, आईफोन 13 को आप देखिए और उसको कन्वर्ट कर दीजिए आईफोन 14 में, मतलब एज पर एक्सपेक्टेड लीक्स आईफोन 13 और आईफोन 14 में कोई चेंज नहीं होने वाला है, सेम चिप भी आपको देखने मिलेगी, मतलब एक साल में जो चिप अपग्रेड होती है वो भी इस साल शायद आपको आईफोन 14 में देखने को ना मिले। उम्मीद है प्रोमोशन डिस्प्ले शायद नॉर्मल आईफोन में भी आ जाए, नॉन प्रो में भी, बट आई डाउट शायद ना आए, क्योंकि वो प्रोमोशन एक इनका ऐसा फैक्टर है जो कि अपने प्रो डिवाइसेस के लिए ही बचा के रखते हैं, ताकि प्रो भी तो बेचना है क्यों। सो वो चीज़ है। सो ये हल्का सा मेरे माइंड में डाउट है कि इस साल एप्पल आईफोन 14 को कैसे स्टेज पे अनाउंस करने वाला है, जबकि सारे फीचर्स आईफोन 13 के सिमिलर होने वाले हैं, यहाँ तक कि बैटरी कैपेसिटी, कैमरा मॉड्यूल, एक एक चीज़। सो नई चिप भी नहीं है, तो उसको कैसे एप्पल अनाउंस करेगा वो हम देखेंगे। तो इस साल वाले प्रो मॉडल के अंदर आपको आई शेप की नोच देखने को मिल जाएगी, नॉर्मल रेगुलर नोच हटा के आई शेप की नोच। आईफोन यूजर्स बहुत टाइम से कह रहे थे कि नोच हटा दो, और नोच हटा के इन्होंने ये कर दिया है। ये जो है 60% आपका नोच ऑक्यूपाई करेगा, मतलब 40% लेस आपको देखने को मिल जाएगी और दिखने में काफ़ी अच्छी है। बट मेन इसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यही रहेगा कि ये इंडिया के अंदर जैसे एप्पल की एक लग्जरी वैल्यू बन चुकी है, उसके लिए प्रो मॉडल्स को नॉन प्रो मॉडल से डिफरेंशिएट करने में ये बहुत बड़ा फैक्टर डालेगी, क्योंकि नॉन प्रो मॉडल्स में आपको रेगुलर नोच ही देखने को मिलेगी विद नो साइज रिडक्शन। बात करें और फीचर्स की, तो हमें इसके अंदर पीछे की तरफ जो कैमरा है वो अपग्रेडेड देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा। अब 48 मेगापिक्सल पे जाने का मतलब ये है कि एप्पल ट्राई कर रहा है 8K रेजोल्यूशन की वीडियो आपके आईफोन में इनेबल करने के लिए, क्योंकि जो 12 मेगापिक्सल का सेंसर होता है उससे 8K वीडियो का रेजोल्यूशन निकालना काफी मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए 48 मेगापिक्सल का सेंसर डाला जा रहा है। नॉर्मली आपकी फोटोज एक तरह से पिक्सल बिनिंग की मदद से 12 मेगापिक्सल पे क्लिक होगी, बट 8K वीडियो के अंदर 48 मेगापिक्सल का फुल सेंसर साइज का यूज होगा, और इसकी वजह से फोन मोटा भी हो रहा है, कैमरा मॉड्यूल बड़ा भी हो रहा है और कैमरा अच्छा भी हो रहा है। और एक और खास बात, जो लोग सोच रहे थे कि पोर्टलेस आईफोन आने वाला है, तो इस साल तो पोर्टलेस आईफोन नहीं आने वाला है, कुछ यूएस में रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से पोर्टलेस नहीं जा पा रहे हैं और टाइप सी में डेफिनेटली नहीं जाना चाहते हैं, ये डायरेक्टली लाइटनिंग से पोर्टलेस पे जंप करने वाले हैं। तो इस साल भी आपको आईफोन के अंदर पोर्ट देखने को मिल जाएगा, लाइटनिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा, अगले साल का कोई कुछ नहीं कर सकता कब इसमें से हट जाए। तो ये सारे जो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन थी विद द न्यू कलर, एक जो मैं कलर बताना भूल गया, पर्पल कलर आने वाला है, वाओ व्हाट एन अपडेट। खैर, सो ऑन एंड ऑल देखे तो आईफोन 14 काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेरे लिए इंटरेस्टिंग आईफोन 14 प्रो ही होने वाला है, नॉर्मल 14 इतना इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि सेम आईफोन 13 जैसा ही है,
तो जो मेरे ही स्पेकुलेशन है कि जो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रहेगा इनका 14 मैक्स रहेगा और 14 प्रो का लाइनअप रहेगा, नॉर्मल 14 इतना नहीं बिकेगा क्योंकि 14 इज लाइक 13। 14 आने के बाद आईफोन 13 के प्राइसेस गिर जाएंगे और 14 और 13 दोनों का अगर सेम स्पेसिफिकेशंस है और 13 का प्राइस कम है तो ऑब्वियसली लोग 13 को ही बाय करेंगे और 14 मैक्स जो कि एक नया मॉडल होगा उसकी तरफ जाएंगे जिनको रेगुलर आईफोन चाहिए। प्रो मॉडल्स डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने वाले हैं जिनके लिए मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इनकी प्राइसिंग की बात करें तो अगर डॉलर्स की बात करें प्राइसिंग में तो 14 का प्राइस होने वाला है 799, 14 मैक्स का प्राइस होने वाला है 899 डॉलर, 14 प्रो का प्राइस होने वाला है 1099 डॉलर और जो 14 प्रो मैक्स है उसका 1199 डॉलर होने वाला है। और बात करें इनके इंडियन रुपीस की, मतलब अगर डॉलर की कन्वर्जन करोगे तो इट्स डिफरेंट थिंग कि डॉलर कन्वर्ट करके इतना रेट आता है, वो इंडिया में कभी वैलिड हुआ ही नहीं है। कंसिडर एप्पल की प्राइसिंग में कि एक डॉलर का मतलब है 100 रुपीस, जो कि वैसे तो 77-75 रुपीस के आसपास रहता है। तो अगर हम उसके थ्रू कन्वर्जन करें तो आईफोन 14 का प्राइस होने वाला है 80,000 रुपये, आईफोन 14 मैक्स का होने वाला है 90,000 रुपये, आईफोन 14 प्रो का प्राइस होने वाला है 120,000 या फिर 130,000। ये स्पेकुलेशन है कि शायद इस साल 10,000 रुपये बढ़ जाएंगे क्योंकि एक लास्ट ईयर वाला 120,000 का था और वही 14 प्रो मैक्स होने वाला है 140,000 के आसपास का। तो ये थी प्राइसिंग। आप कौन से आईफोन के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो? मैं एक्साइटेड हूँ प्रो मॉडल्स के लिए और मैक्स को देखने के लिए कि आईफोन 14 मैक्स जो है कैसा मार्केट में परफॉर्म करेगा। फीचर्स के लिए प्रो में काफ़ी अच्छे अपग्रेड देखने को मिल जाएंगे, जिनके पास 13 है उनको शायद अपग्रेड करने की जरूरत ना पड़े, बट 11 सीरीज वाले या 12 सीरीज वाले डेफिनेटली इस अपडेट को थोड़ा बहुत चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि इस साल आईफोन आने के बाद फॉर एग्जांपल जो 12 और 13 में अपडेट था वो उतना मेजर नहीं था, हल्का सा नॉइस रिडक्शन था, प्रमोशन डिस्प्ले ऐड था। सेम होने वाला है 14 और 15 के साथ, मे बी पोर्टलेस आईफोन चली जाए या फिर जो भी हो। एक साल का जो इंक्रीमेंटल अपडेट है वो उतना मेजर नहीं होता, 2 या 3 साल का जो अपडेट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो 13 वालों तो भूल जाओ, 14 की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, 12 या 11 वाले देख सकते हैं और मैं एक्साइटेड हूँ प्रो मॉडल्स के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, कौन से मॉडल के लिए आप एक्साइटेड हो ये डेफिनेटली मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और प्राइसिंग तो ऑब्वियसली एप्पल की जेब खाली कर ही देती है तो उसका तो क्या ही कहना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।